चलिए मेरी शक्ल दिखा दो मुझे। मुझे देख पा रहे हैं? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है तो एक बार हाथ हिला के हेलो कर दो। अगर मेरी शक्ल दिख रही है तो हाँ ठीक है, दिख रही है, मतलब मुझे नहीं दिख रही एक्चुअली। हाँ ठीक है, अच्छा मुझे गैलरी व्यू दिख रहा है इसलिए ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। मुझे लोगों की शक्ल दिखनी है, अपनी तो मैं रोज ही दिखता हूँ। राइट राइट राइट, चलो किससे बात करेंगे? 5 मिनट। देखो हिंदुस्तान है, यहाँ लोग एग्जैक्टली 8:30 का, 8:30 नहीं आते। मैं 8:30 की क्लास के लिए 7:30 घर से निकलता हूँ, 8:15 पहुंच जाता हूँ, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आते लोग, तो पब्लिक को इकट्ठा हो जाने देते हैं। 2:45 हो गए, 20-30 लोग और आ जाए फिर शुरू करते हैं। राइट, तब तक एक दो लोगों से हाय हेलो कर लेते हैं, और जिससे जिसको मुझसे ऐसी हेलो करनी हो एक बार हाथ हिलाओ, अपन 2 मिनट की बात करते हैं, कौन हो कहाँ से हो, और फिर आगे बढ़ेंगे। राइट, किससे बात करें, किससे बात करें, किससे बात करें? अरे वाह, जय कुमार गंगवार भी आए। जय भाई, कैसा है? हाँ जी, और किससे हेलो करें? जय श्री, जय श्री मैडम, कौन करो? जय श्री मैडम, अनम्यूट कीजिएगा जब बोले तो। हाँ, जय श्री मैडम, हेलो हेलो, कहाँ से हो? सर। सर एक्चुअली मैं नवी मुंबई से हूँ। ओके okay. हाँ सर, आपके डेली लेक्चर्स ऑफकोर्स 1% बेटर होते जा रहे हैं, ओके और okay. इतना ही नहीं, जब सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे इस चीज पे हुआ है कि फालतू प्रिस्क्रिप्शन से बेटर है कि हम लोग एक परफेक्ट प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करें पेशेंट को, चलिए, बहुत अच्छी बात है, जिससे पेशेंट का खर्चा भी कम होता है। वो एग्जैक्टली अनयूजुअल मेडिसिन लेने से अच्छा है पेशेंट वही पैसे एक बेसिक जितना नीड है उतनी जगह डाल पाता है। बहुत अच्छी तो ये बात है। मेरे अगर अगर लिए पॉजिटिव। ये कोई चीज सीख जाए अगर मेरे पढ़ाई से, तो वाकई ये मेरा सारा किया वेल वर्थ इट है। सर ये थैंक बहुत यू सो मच। जरूरी भी है क्योंकि पेशेंट पैसे के बारे में जरूर सोचते हैं, एग्जैक्टली उनके लिए एग्जैक्टली, मेडिसिन बहुत कॉस्टली आज हो ही हम जाता है। बहुत सारी तो बात करेंगे ऐसी, कॉस्ट की और सस्ती दवाई की और महंगी दवाई की। आप एंटीबायोटिक सर कोर्स में हो ऑलरेडी ना? हाँ सर, मैं अच्छा, वन इसमें परसेंट जितने बेटा भी सब में भी एंटीबायोटिक हूँ। कोर्स में ही हैं। हाँ तो मैं 1% बेटा में भी हूँ। हाँ अच्छा, जितने लोग YouTube पर लाइव हैं, ये बेसिकली हमारे एंटीबायोटिक कोर्स के लिए एक लेक्चर था। पर चूंकि एंटीबायोटिक इतना, एक तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और दूसरा इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कि मैंने सोचा कि इसको YouTube पर लाइव जाने देते हैं, तो बहुत सारे लोग अभी YouTube पे भी कनेक्टेड होंगे। पर इसको हम सिर्फ लाइव रखेंगे YouTube पर, रिकॉर्डिंग इसकी हम केवल एंटीबायोटिक कोर्स में रखेंगे। तो आप में से जो भी लोग ओके, थैंक एंटीबायोटिक कोर्स में है, आपका अगर मिस हो गया है लेक्चर, तो आपको बाद में मिल जाएगा। तो यू अब और किससे बात करें जल्दी जल्दी? एक या दो लोग और इधर नीचे, कितने लोग इकट्ठे हो गए? एंड देन वील स्टार्ट इन लाइक 2-3 मिनट्स, है ना? हाँ, एक जरा हाय करो। वो क्या कहते हैं ना, एक जरा हाथ बढ़ा दें तो पकड़ लें दामन। कमलेश शिंदे, फिर उसके बाद डॉक्टर शुभदीप, आगे का नहीं पढ़ पा रहा मैं। हाँ, शुभदीप के आगे का पढ़ नहीं पा रहा, कुछ गलत, कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। हेलो हाँ, पहले कमलेश जी से बात हेलो करेंगे। हाँ हेलो हाँ जी, कमलेश जी सर, गुड इवनिंग सर। जी, कहाँ से हैं? सर इंदौर अरे वाह, ये तो बगल में इसलिए इतनी क्लियर आवाज आ रही है। सर, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल के लोगों से आजकल पूछता हूँ कि सुबह सर तुम्हें सर को जानते हो क्या? सर बोलते हैं अरे हमारे साथ ही काम किया, मैंने 14 में छोड़ा सर वहां से, उसके ओके बाद आप शायद वहां पर गए थे। हाँ, मैं तो करीब आजकल फोर्टीन तो फिफ्टीन में बॉम्बे हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, फिर 17 में मैंने छोड़ दिया। मैंने 14 में वहां से छोड़ा, मेदांता ज्वाइन किया अभी। राइट, मेदांता में। क्या नाम बताया? हाँ सर, कमलेश शिंदे, कमलेश न्यू शिंदे। रोटी में हूँ सर। ओके ओके ओके, गुड 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 गुड। राइट 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 राइट, अभी आज भी किसके साथ मैंने में? मनोज गुप्ता सर से पूछा। अभी अलके जैन सर के साथ में? नहीं सर, हाँ मतलब मैं न्यू रोटी में हूँ, कछार अच्छा, सर, दूसरे ओटी में। राइट 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 राइट, न्यू रोटी, न्यू रोटी सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आज मैंने चलेगा। डॉक्टर मनोज गुप्ता सर से पूछा था आपके बारे में, उन्होंने ओके कहा हमारे ओके जूनियर है ओके ओके ओके, सर। अच्छा चलो लगा आपसे बात करके। चल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलो शुभदीप से बात करेंगे। फिर उसके बाद डॉक्टर अजीम से बात करेंगे। उसके बाद किससे करेंगे? नहीं, उसके बाद नहीं करेंगे, फिर क्लास शुरू करेंगे। डॉक्टर शुभदीप की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, SUBHA। हाँ, अनम्यूट कर भाई। हाँ हाँ
हाय, कहाँ से भाई? हाँ, हाय, गुड इवनिंग सर. आई एम एक्चुअली फ्रॉम वेस्ट बंगाल. राइट. मैं क्लिनिकल गुरुजी प्लेटफॉर्म में बहुत दिन से हूँ. ओके. राइट. आवाज नहीं आ रही भाई. हाँ, कंटिन्यू करना सर. आफ्टर हाँ, सर, मैं पास करने के बाद से ही आईसीयू में जॉब कर रहा हूँ. अराउंड 2014 के बाद से. नाउ आई हैव टेकन एमडी इमरजेंसी मेडिसिन इन वंडरफुल. आईएमएसएन सम हॉस्पिटल. तो सर, मैं आपका बहुत दिन से, अभी तो मैं डायमंड मेंबरशिप पैकेज में हूँ. आई थिंक इट इज द बेस्ट पैकेज. सब कुछ मिल जाता है. एंड आई लव योर सर वेंटिलेशन क्लासेस. मैं एक बार नहीं, बहुत बार देखता हूँ. अच्छा, अभी मैंने पता है वेंटिलेटर पे यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स डाले थे मैंने यूट्यूब पे. वैसे मैं यूट्यूब पे कभी जाता नहीं था, पर मैंने यूट्यूब पे वेंटिलेटर के बहुत सारे लेक्चर डाले और कुछ जनरल प्रैक्टिस के डाले. तो जनरल प्रैक्टिस वालों पे 4 गुने ज्यादा व्यूज आ रहे थे. तो फिर मैंने सोचा वेंटिलेटर की सीरीज को थोड़ा होल्ड करके रखते हैं, पहले जीपी पढ़ा लेते हैं. तो अब मैं तो भी जहां ज्यादा लोग देखने आए, जहां ज्यादा लोगों का भला हो वो कर लेते हैं. मुझे पर्सनली शौक क्रिटिकल केयर इमरजेंसी पढ़ाने का है सबसे ज्यादा. बट देन जहां जहां पब्लिक इकट्ठी हो जाए. यस सर. सर बहुत अच्छा लगता है आपका. राइट सर, आप इतना लूसिड बोलते हो. एक्चुअली बुक्स में तो बहुत वास दिया है लगता है सर. यार मैं इट्स लाइक वेरी इजी फॉर अस. पारेटो प्रिंसिपल. पारेटो प्रिंसिपल में क्या होता है कि आपके जीवन में 20% चीजें हैं जो आपको 80% रिजल्ट देती हैं. आप जीवन में कहीं भी देख लेना, किसी भी चीज में देख लेना कि आप अगर दिन भर में अगर आप 15 घंटे काम कर रहे हो, तो उस 15 घंटे में से 2-2.5 घंटे हैं जो आपको असली मेहनत करके दे रहे हैं, जो आपको असली रिजल्ट दे रहे हैं. तो ऐसा कैसा पढ़ाने में भी होता है. तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो 20% चीज पढ़ाऊं जो कि आपके लिए 80% रिजल्ट निकाल दे. अब आज भी एंटीबायोटिक पढ़ाने बैठूंगा तो पढ़ाने को तो कितनी चीजें यार. टीजी साइक्लिन के अंदर घुस जाओ तो 1 घंटे की क्लास लगा लो. पर मैं कोशिश करूंगा कि 45 मिनट या 1 घंटे में आपको इतना पढ़ा दूं कि आप कम से कम अपने 70-80% डायग्नोसिस ट्रीटमेंट उसमें सॉल्व कर लो. ठीक है ना? तो वही प्रयास रहता है, इसलिए कोशिश करता हूं उसकी. मैं सर अराउंड 4-5 साल आईसीयू करने के बाद भी मैं मेरे हर जूनियर को बोलता हूँ कि सर का कोर्स ले लो. इट्स वेरी गुड. मैंने बहुत को रेफर भी किया है. एंड सर एक्चुअली इट हेल्प्स. एक्चुअली मैंने देखा है आप जो बोलते हो. अच्छा, वैसे अगर अब इतनी बात हो रही है तो मुझे ये बता. कभी कभी मुझे लगता है कि यार मैं बहुत सारा रोक लेता हूँ, मैं बहुत सारा एडवांस्ड नहीं पढ़ाता. सो ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि मतलब बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ या बिल्कुल बहुत सर, अच्छा होगा कि अच्छा होगा क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे, मुझे पता है बहुत सारे डीएम क्रिटिकल केयर के, इवन सर बहुत सारे एनास्थेशिया इमरजेंसी मेडिसिन के एमडी लोग भी है आपके. ये हम लोग सब्सक्राइब करके रखे. अगर आप हम लोग के लिए कुछ एडवांस टॉपिक्स ऐसे बनाओ तो बहुत अच्छा रहेगा सर. ठीक है. तो हम लोग एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ अपने आईसीयू कोर्स में बहुत सारा डालूंगा. और अब आईसीयू की बात ही निकली है तो मेरी आईसीयू की एक वेबिनार कर रहा हूँ मैं 5 दिनों की. लाइव है, फ्री है, जूम पे होगी. clinicalguruji.com पे जाओगे तो उसमें क्रिटिकल केयर या आईसीयू केयर वाले सेक्शन में मिल जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन. फ्री वेबिनार है ना, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो. हाँ, 5 दिन पढ़ाऊंगा. 5 दिन पढ़ाऊंगा. एक पढ़ाऊंगा ईसीजी, एक दिन पढ़ाऊंगा वेंटिलेटर, एक दिन पढ़ाऊंगा एबीजी, एक दिन हीमोडायनामिक्स और एक दिन इंट्यूबेशन. तो आईसीयू की जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो 5 दिन में पढ़ाऊंगा. ऑब्वियसली पूरी पूरी नहीं पढ़ा सकता, पर उनमें जो काम की चीजें कि कहां गलती करते हैं या क्या अप्रोच रखना वो सिखाऊंगा. तो आप में से जो लोग भी क्रिटिकल केयर में इंटरेस्टेड हो वो लोग उसमें आ सकते हो. राइट. अब क्लास शुरू करते हैं यार, बहुत लेट हो गया. ठीक है, चलो. तो अब अच्छा, इस क्लास का फॉर्मेट कैसा रहेगा वो भी समझ लो. क्लास में अभी करीब 45 मिनट में पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम डाउट और डिफिकल्टीज के लिए आखिरी का 15 मिनट निकाल के रखेंगे. इस बीच में आपको यूट्यूब पे जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपको जूम में जो डाउट्स हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. आखिरी में हम ऐसे ही गैलरी व्यू बना के एक बार और बात करेंगे. मेरे साथ डॉक्टर ऐश्वर्य जैन भी हैं जो हमारे एमडी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं. तो हम दोनों मिलकर आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो भी आपको एंटीबायोटिक्स को लेकर डाउट हो. ठीक, तो अब मेन प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और क्लास शुरू करते हैं. अभी सबको म्यूट कर लो. मेरा भी उतार. हाँ, नमस्कार. मैं डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी और ये प्लेटफॉर्म है क्लिनिकल गुरुजी का. ये कोर्स है हमारा एंटीबायोटिक कोर्स. ये कोर्स मैंने करीब 2-2.5 साल पहले, 2 साल हो गए होंगे शुरू किए. नहीं, करीब 2 साल पहले शुरू किया था. मैंने आज अपना पहले दिन का लेक्चर देख रहा था. मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो पहले किसी लेक्चर में पढ़ाया है वो कभी किसी लेक्चर में रिपीट ना करूं. हर बार कोई नई चीज पढ़ाऊं, कुछ नए तरीके से पढ़ाऊं. तो मैं आज आते आते अपना लेक्चर सुन रहा था तो मैंने उसमें देखा कि उसमें 150 रजिस्ट्रेशन है एंटीबायोटिक कोर्स में. आज इस एंटीबायोटिक कोर्स में करीब 4-5 हजार बच्चे होंगे जहां तक मुझे पता है. तो खैर,
ये आप लोगों का प्यार है, शायद मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है, क्योंकि नॉलेज तो सारा यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, किताबों में भी अवेलेबल है, और आपके टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, पर फिर भी शायद कुछ 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 मेरा पूर्व जन्म का कर्म है कि आप लोग सब उससे इतने प्यार से जुड़े हुए हो। मैं भी कोशिश करूंगा कि अपने लेवल पे जितना हो सकता है आपको उसका रिजल्ट में डिलीवर करके दे सकूं। आज की हमारी क्लास एंटीबायोटिक्स पे होगी, बैक्टीरिया पे होगी। एंटीबायोटिक कोर्स में बहुत सारा कंटेंट पहले से डला हुआ है, ये क्लास लाइव है, पर इसकी रिकॉर्डिंग एंटीबायोटिक कोर्स में जाएगी जो हमारे वेबसाइट पे clinicalguruji.com पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको। एंटीबायोटिक कोर्स में बहुत सारे लेक्चर पहले से भी डले हुए हैं। एक लेक्चर है जिसमें मैंने सेप्सिस की पूरी बात की है, कुछ लेक्चर्स हैं जो एंटी हेलमिंथ पे, एंटी फंगल्स पे हैं, कुछ लेक्चर्स हैं जो प्रॉपर एंटीबायोटिक्स पर हैं। अभी इस महीने मैं फिर दो लेक्चर्स लूंगा, एक आज ले रहा हूं और एक करीब 3 हफ्ते बाद लूंगा। आज का लेक्चर बेसिकली बैक्टीरिया के पोर्टल ऑफ एंट्री और साइट ऑफ इन्फेक्शन पे बेस्ड होगा, और आखिरी लेक्चर जो होगा वो होगा कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा एंटीबायोटिक, किसका रेजिस्टेंस, वो एक अलग ही तरीके से, बड़े अनोखे तरीके से हम पढ़ेंगे उसे। तो अब आज के लेक्चर पे आते हैं, पहले थोड़ा सा ज्ञान झिलाऊंगा फिर काम की बात करेंगे। तो इंसान और बैक्टीरिया का जो रिश्ता है वो आज का नहीं है, इंसान और बैक्टीरिया का रिश्ता हजारों सालों का है। जब इंसान पहली बार पृथ्वी पे आया तब भी बैक्टीरिया थे, हमारे पूर्वज बंदर रहे हो या नहीं पर बैक्टीरिया जरूर थे, और इंसान और बैक्टीरिया बड़े आपस में फैमिलियर होके रहते थे, बड़े साथ साथ रहते थे और आपस में सामंजस्य से और सिम्बायोसिस के साथ काम करते थे। क्यों? हमारे स्किन पे तमाम तरह के कमेंसल्स रहते थे, हमारे गट में तमाम तरह की फ्लोरा रहती थी जो हमारी इम्यूनिटी को और बाकी सारी चीजों को गवर्न करती थी। यदि आपको कभी आप कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च पढ़ने जाओ तो आपको पता लगेगा कि हमारे जो थॉट्स हैं वो भी हमारे गट के बैक्टीरिया से गवर्न होते हैं। आप जिसको गट फीलिंग कहते हो ना, वो भी आपके गट के माइक्रोबायोम से आती है। आपके शरीर पे जितने सेल नहीं है उससे ज्यादा आपके शरीर में बैक्टीरिया है, आपके शरीर में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है। तो हम और बैक्टीरिया हमेशा सामंजस्य में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ कि हम प्रकृति से दूर हुए, हमने अपनी हैबिट्स चेंज की, हमने अपने तरीके चेंज किए, और धीरे धीरे करके हम प्रकृति से विमुख होते गए। और उस विमुख होने में कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी कम हुई और धीरे धीरे करके इन्फेक्शंस होना शुरू हुए। अब जब इन्फेक्शन हुए तो हमने उस इन्फेक्शन के कॉज में बैक्टीरिया को ब्लेम किया कि नहीं साहब ये इन्फेक्शन तो बैक्टीरिया के कारण है, हमने बैक्टीरिया से दुश्मनी ठान ली, और उस दुश्मनी में हमने बैक्टीरिया को निपटाने के लिए एंटीबायोटिक्स बनाए। बैक्टीरिया ने भी दुश्मनी बराबरी से निभाई, उसने हमें निपटाने के लिए और नई नई चीजें ईजाद की और नए नए तरह के रेजिस्टेंस बनाए, और अब यह दुश्मनी बहुत हद तक बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब हम उस जंग को हार रहे हैं। जैसे लगता है ना कि यार इंसान समझता है कि हमसे बड़ा, हमसे ताकतवर तो कुछ हो ही नहीं सकता, और हम एक छोटे से बैक्टीरिया से हारते हैं और रोज हारते हैं। माइक्रोबायो जितने हमारे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम पे भारी पड़ते हैं। हमें लगता है कि हम बड़े समझदार हैं और हमने एटम बम बना लिया है, लेकिन आज भी अगर आप भूल गए हो तो 2 साल पहले का याद कर लो कि कोई एक वायरस था जिसके के कारण आप सब परेशान थे, आप सब बुरी हालत में थे। एग्जैक्टली उसी तरीके से आज हम ये जंग एंटीबायोटिक्स की बैक्टीरिया से हार रहे हैं। जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में नहीं हारा, उससे ज्यादा बुरी तरह से हार रहे हैं। इसके कारण हैं, उनमें भी हम जाएंगे। ज्ञान इतना ही, अब सीधे काम की बात करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स की ये क्लास है, लेकिन एंटीबायोटिक्स को समझने के पहले हमें बैक्टीरिया को समझना पड़ेगा। तो मैंने बैक्टीरिया को अपने हिसाब से, ये माइक्रोबायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं है, ये कोई मेडिसिन का क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं है, मैंने बैक्टीरिया को अपनी सुविधा के लिए 4 तरह के परिवारों में बांट रखा है। तो बैक्टीरिया के 4 परिवार हम कहेंगे। एक ग्राम पॉजिटिव परिवार है जिसमें 2 मुखिया हैं, एक स्ट्रेप्टो, एक स्टेफाइलो, और उनकी एक चुड़ैल बच्ची है। फिर ग्राम निगेटिव परिवार, ज्वाइंट परिवार है, इसमें इकोलाई, क्लेप्सिला, शिगेला बहुत सारे लोग हैं। फिर एक हैं जो अलग ही रहते हैं, जैसे अपने परिवार के एक अनमैरिड चाचा होते हैं ना, वैसे जो किसी के रिश्तेदार नहीं होते, किसी से एक जैसे नहीं रहते, वैसे एटिपिकल हैं। और कुछ ऑपरचुनिस्टिक लोग हैं, एनएरोबिक लोग हैं, जो आपके घर में ही रहते हैं और आपको ही निपटाने में लगे रहते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से, अपने सुभीते से बैक्टीरिया को 4 क्लासिफिकेशन में बांट रखा है। हम इस तरह से पढ़ेंगे तो मुझे पढ़ाने में आसान पड़ेगा, आपको पढ़ने में आसान पड़ेगा। एक और बात, चूंकि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी इसलिए पेन पेपर लेके बैठ जाएं, कई बार बीच बीच में ऐसी चीजें निकल जाएंगी जो आपको बड़ी काम आएंगी। तो
हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया का युद्ध चलता है, ये बिल्कुल जैसे राम रावण के युद्ध हुए थे या जो पुरानी लड़ाइयां हुई थी वैसा होता है। हर युद्ध में एक दुश्मन होता है, एक बैटल फील्ड होती है, यानी बैटल ग्राउंड होता है जहां पे कि वो युद्ध लड़ा जाता है, और एक वेपन होता है जिससे कि आप युद्ध लड़ते हो। हुड गुरु, तो एक वेपन होता है जिससे कि आप युद्ध लड़ते हो। तो यहां दुश्मन, ये चार तरह के बैक्टीरिया हैं। बैटल ग्राउंड कौन कौन से हैं? बैटल ग्राउंड हमने करीब सात चुने हैं। एक हमारा ब्रेन जिसमें मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस वाले इन्फेक्शन होते हैं, एक हमारा ईएनटी ईयर नोज थ्रोट जिसमें कि हमारे कान के ओटाइटिस हो जाते हैं, साइनोसाइटिस हो जाते हैं और थ्रोट के फेरिंजाइटिस लैरिंजाइटिस हो जाते हैं। फिर एक तीसरा बैटल ग्राउंड जहां पे कि ये बैक्टीरिया अटैक करते हैं वो है हमारा थोरेक्स यानी कि चेस्ट, जिसमें कॉमनली न्यूमोनाइटिस होते हैं या अनकॉमनली मीडियास्टेनाइटिस और तमाम तरह की और चीजें हो जाती हैं। फिर हमारा जीआईटी, हमारा एब्डोमेन जिसमें कि लिवर और बिलियरी इन्फेक्शन होते हैं, इसके अलावा हमारे इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होते हैं। फिर हमारा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट जिसमें कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, और आखिरी हमारी स्किन जो कि हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो हम इस क्लासिफिकेशन से कि ये तमाम बैक्टीरिया और ये तमाम बैटल ग्राउंड्स, इनमें कैसे इंटरेक्शन होता है, इस तरीके से आज एंटीबायोटिक्स को पढ़ेंगे। आपको पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर लिखना। कहानी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो परिवार है बैक्टीरिया का वो है ग्राम पॉजिटिव परिवार, और ग्राम पॉजिटिव परिवार के दो बड़े मुखिया हैं, एक स्ट्रेप्टोकोकस और एक स्टेफाइलोकोकस। ये ग्राम पॉजिटिव परिवार, बहुत सारे और बैक्टीरिया हैं इसमें, पर ये बैक्टीरिया वायुसेना के थ्रू अटैक करते हैं। वायुसेना के थ्रू मतलब ये हवा में उड़ते रहते हैं, ये एरोसॉल में ट्रेवल करते हैं। मतलब एक मरीज को न्यूमोनिया है और उसने आपके मुंह पे खांस दिया, आपने उस खांसी की एरोसॉल को इनहेल कर लिया और बैक्टीरिया आपके थ्रोट में या आपके लंग्स तक उतर जाएगा। तो ये जितने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, स्पेशली जो कॉमन वाले हैं स्ट्रेप्टो स्टेफाइलो, ये सब या तो ये हवा में ट्रेवल करते रहते हैं या हवा में उड़ते उड़ते कभी आपकी स्किन पे चिपके रहते हैं। तो सर्जिकल साइट के इंफेक्शन अक्सर इन्हीं से होते हैं। क्यों? आपकी स्किन पे बैक्टीरिया बैठा है, एक छोटा सा इंसिजन लगा, ब्लीड हुआ, बैक्टीरिया अंदर और जाके फैलना शुरू, क्योंकि कल्चर मीडियम मिल गया। तो यह बैक्टीरिया वायुसेना के थ्रू काम करता है, उड़ता हुआ आता है, एरोसॉल में रहता है, इसलिए यह कुछ ही जगह अटैक कर सकता है, कुछ जगह नहीं कर सकता। तो आपको शक्लें याद रहे इसलिए आपको दो तरह के राक्षस दिखा रहा हूं, एक स्ट्रेप्टो है एक स्टेफाइलो है, आप जिसको जिसमें जानना चाहें मान लें। अब ये कहां कहां अटैक करेंगे एक बार चैट बॉक्स में भी आपसे पूछूंगा। अभी मैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो हवा में उड़ता है। जो बैक्टीरिया हवा में उड़ता है क्या वो जीआईटी में जा सकता है? बाय एनी चांस जरा चैट बॉक्स में मुझे लिख के दिखाओ। मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन करना चाहूंगा। आप यूट्यूब पे हो तो कमेंट्स में लिखो, नहीं तो चैट बॉक्स में लिखो कि जो बैक्टीरिया हवा में उड़ता हुआ आ रहा है, एरोसॉल में ड्रॉपलेट के फॉर्म में तैर रहा है, वो क्या आपके जीआई में या यूरिनरी में जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जाएगा कैसे? उसको जो जीआई में जाने के लिए उसको नौसेना की जरूरत है, उसको एक जहाज की जरूरत है। ये उड़ रहा है, ये उड़ता उड़ता कहां जाएगा? ये उड़ता उड़ता जाएगा या तो आपके नाक कान गले में, उससे भी आसानी से ये जाएगा आपकी स्किन में। स्किन में कैसे? कि उड़ता उड़ता आया, यहां बैठा, आपकी स्किन में कट लगा था, अंदर घुस गया। जितने आपके बॉयल, फरंकल, इम्पेटिगो, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, सेलुलाइटिस, ये सब ये ग्राम पॉजिटिव करवाएगा। क्यों? क्योंकि उड़ता हुआ आया, स्किन में बैठ गया। और कहां जाएगा आसानी से? सबसे आसान इसको क्या पड़ेगा? इसको सबसे आसान पड़ेगा ईएनटी, क्योंकि किसी ने आपके ऊपर खांसा, छींका, हवा में उड़ता हुआ आया, आपके भीतर चला गया। और आसान क्या पड़ेगा इसको? ईएनटी में अंदर गया, वहां के डिफेंसेस तोड़ दिए, तो ये उतर के आपके चेस्ट में चला जाएगा, आपको न्यूमोनिया कर देगा। क्या इस बैक्टीरिया को आसान पड़ेगा कि वो जीआई में जा पाए? नहीं जा पाएगा। क्या कोई उड़ता हुआ बैक्टीरिया आपके सुसु के रास्ते से अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता। तो इनके कॉमनेस्ट जो इन्फेक्शन है वो ईएनटी के इन्फेक्शन है। ईएनटी के कौन कौन से? आपके ओटाइटिस मीडिया हो गए, आपके नोज के हो गए, साइनोसाइटिस हो गए, आपके थ्रोट के इन्फेक्शन हो गए, फेरिंजाइटिस हो गए, लैरिंजाइटिस हो गए, ट्रेकियाइटिस हो गए, नीचे उतर गया तो न्यूमोनाइटिस हो गए, ये सब हुए ग्राम पॉजिटिव से। स्किन के मैंने बताया आपको बॉयल, फरंकल, इम्पेटिगो, ये सारी चीजें, ये भी हुए किससे? ग्राम पॉजिटिव से। अब आखिरी बात बताओ, क्या ये ब्रेन में जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ जरा।
क्या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ब्रेन में जा सकता है, हाँ कि नहीं, या यूं कहूं कि क्या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से मेनिनजाइटिस हो सकता है? ऐसा कहें तो सीधे सीधे नहीं जाता, बेचारा उड़ के ब्रेन में नहीं जा सकता। लेकिन क्या होता है कि यदि ब्लड स्ट्रीम में इंफेक्शन गया और वो ब्लड स्ट्रीम से जाके ब्रेन में बैठ गया तो मेनिनजाइटिस कर सकता है। तो इसलिए इनके मेनिनजाइटिस होते हैं, कम होते हैं, पर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में, बच्चों में, बुढ़ों में इनके मेनिनजाइटिस भी हो सकते हैं। तो ब्रेन में हर बैक्टीरिया जा सकता है, कोई भी बैक्टीरिया आपकी खोपड़ी को तोड़ के डायरेक्टली ब्रेन में नहीं जाता, पर आपके ब्लड स्ट्रीम के इंफेक्शन से वो ऊपर तक जा सकता है। तो यहां तक की कहानी समझ में आई कि बैक्टीरिया के चार परिवार हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, और इसके अलावा एटिपिकल, और फाइनली एनएरोबिक। ग्राम पॉजिटिव, इनके दो मेन सदस्य हैं स्ट्रेप्टोस्टेफाइलो, कहां कहां अटैक करते हैं ये हमने सुन लिया, क्या क्या इंफेक्शन करते हैं ये भी हमने सुन लिया। अब इनको मारने के लिए एंटीबायोटिक कौन सी लगेंगी? बड़ी आसान है, सबसे पहली एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, पेनिसिलिन। क्या किया था उसने, पेट्री डिश में रख के बैक्टीरिया के साथ में फंगस छोड़ दी थी, कुछ दिनों बाद देखा तो फंगस के आसपास के बैक्टीरिया मर गए थे, उससे पेनिसिलिन बनी और उससे हजारों जाने बची वर्ल्ड वॉर के समय। तो पेनिसिलिन सबसे अच्छी एंटीबायोटिक थी ग्राम पॉजिटिव के लिए, अब नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि हमने जैसे ही एंटीबायोटिक बन गई, हमने अपने आप को सर्वशक्तिमान बना मान लिया और इतनी यूज करी पशुओं में करी, मवेशियों में करी, इंसानों में करी, कि उसके इनडिस्क्रिमिनेट यूज से बड़ी जल्दी इनमें रेजिस्टेंस आ गया। तो पेनिसिलिन अब भी ग्राम पॉजिटिव में काम करती है, पर अब इसका एक ही इंडिकेशन बचा है, अब तो सिफिलिस भी नहीं होता, कि ये प्रोफाइलेक्सिस में काम आती है। प्रोफाइलेक्सिस किसका? प्रोफाइलेक्सिस रूमेटिक हार्ट डिजीज का। तो किसी को वो बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई वाला यदि रूमेटिक फीवर हुआ है तो उसे आप रूमेटिक हार्ट डिजीज के प्रिवेंशन के लिए, प्रोफाइलेक्सिस के लिए पेनिसिलिन दे सकते हो। आपको उसे 1.2 मिलियन यूनिट्स का एक इंजेक्शन लगवाना है और ये लगवाना है हर 21 दिन में जीवन भर, ठीक है? पेनिडूरा के इंजेक्शन आते हैं, मुझे किसी कंपनी से कुछ नहीं मिलता है, मुझे जो नाम याद आते हैं वो मैंने लिख दिए हैं। तो अगर मैं अंदर भी कभी किसी दवाई का ब्रांड नेम लिख दूं तो ये मत सोचना कि डॉक्टर साहब कमीशन खाते हैं, मुझे जो नाम याद है वो लिख देता हूं। तो पेनिडूरा के इंजेक्शन लगते हैं, हर 21 दिन में लगवाने पड़ते हैं। अगर मरीज मना कर दे कि नहीं साहब मैं हर 21 दिन में इंजेक्शन नहीं लगवा सकता, तो उसे पेंटिड्स की गोली खिलाई जाती है। अदरवाइज पेनिसिलिन का आजकल कोई बहुत ज्यादा यूज बचा नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को ये पेनिडूरा के इंजेक्शन लगाते रहते हो, जिस व्यक्ति को पहले कभी रूमेटिक फीवर हुआ है, तो ये बाद के बाद बार बार के जो अटैक्स हैं उनको प्रिवेंट करता है, बार बार वॉल्यूवलाइटिस होने को रोकता है, और बार बार माइट्रल स्टेनोसिस को सीवियरिटी बढ़ने से रोकता है। तो ये तो हुई बात पेनिसिलिन की, पर पेनिसिलिन अच्छी एंटीबायोटिक थी। बाद में हमने इस पेनिसिलिन से दो सिंथेटिक पेनिसिलिन बनाई, और ये सिंथेटिक पेनिसिलिन काम करती हैं, आज भी करती हैं, और उतना ही अच्छा करती हैं। अब धीरे धीरे करके हम इन्हें भी खराब कर रहे हैं, पर अभी फिर भी कर रही हैं काम। तो दो हमारी सिंथेटिक पेनिसिलिन हैं, कौन कौन सी? सबसे पहली है हमारी एमोक्सिसिलिन, जिसको कि आजकल हम प्लेन मॉक्स में नहीं यूज कर पाते, अब हम उसे मॉक्स क्लैव के फॉर्म में यूज करते हैं। तो एमोक्सिसिलिन यानी कि मॉक्स क्लैव यानी कि ऑगमेंटिन, इसका मेरा एक यूट्यूब पे भी लेक्चर पड़ा है, वो भी तुम देख सकते हो। तो ये एमोक्सिसिलिन सिंथेटिक पेनिसिलिन है, काम करती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे। देनी कितनी है? बड़ी आसान बात है, या तो 625 एमजी की टीडीएस दे सकते हो, या एक 875 एमजी की भी आती है, उसे आप बीडी दे सकते हो। बड़ी अच्छी दवाई है, सारे ग्राम पॉजिटिव पे काम करती है, और अभी भी इसका रेजिस्टेंस बहुत नहीं बढ़ा है। अगर इसको आईवी लगाना पड़ जाए तो आपको डोज ज्यादा देना पड़ेगा, 625 की जगह आपको 1.2 ग्राम देनी पड़ेगी 8 आवरली। आईवी क्यों लगाना पड़ सकती है? आईवी उसको लगानी पड़ेगी जो सर्दी खांसी का मरीज नहीं है, जो सीरियस हो चुका है, जिसको भर्ती करना पड़ रहा है, तो वहां पे आप आईवी दोगे और आईवी में इसका डोज बढ़ के जाएगा 1.2 ग्राम 8 आवरली। ठीक, इसकी इकलौती दिक्कत यह है कि यह ब्रेन में नहीं जाती, ब्रेन में काम नहीं करती, तो यह सिर्फ स्किन, ईएनटी और चेस्ट में काम कर सकती है। लेकिन अगर ग्राम पॉजिटिव का मेनिनजाइटिस है तो उसमें एमोक्सिसिलिन किसी काम की नहीं है, ऑगमेंटिन किसी काम की नहीं है, वहां आपकी काम की चीज एम्पिसिलिन है। एम्पिसिलिन हर तरह से एमोक्सिसिलिन जैसी है, इकलौती दिक्कत यह है कि इसकी गोली नहीं आती, कॉमनली अवेलेबल नहीं है। एम्पिसिलिन की गोली आपने कभी सुनी नहीं होगी। आप में से जो पुराने जीपी हैं उन्होंने एम्पीजेंटा खूब या तो लगाए होंगे या लगाते देखे होंगे, पर एक बात बताऊं, आपने जो भी एम्पीजेंटा लगाए हैं वो गलत लगाए हैं, क्योंकि एम्पिसिलिन का डोज है 2 ग्राम 4-4 घंटे में,
किताब कहती है 4 से 6 घंटे, पर फिर भी इफेक्टिवली काम करता है यदि आप उसको 4-4 घंटे में दो। तो मुझे नहीं लगता कि आपने किसी मरीज को ओपीडी में बिठा के रखा होगा कि भैया हर 4 घंटे में आना और फिर अपन एक इंजेक्शन लगाएंगे। तो इसलिए एम्पिसिलिन या जो एम्पीजेंटा हमने लगाए हैं जीपी में, उन्होंने चीजों को और बिगाड़ा ही है और बर्बाद ही किया है। तो एम्पिसिलिन आईवी देनी है आपको, 2 ग्राम IV 4 आवरली, सो देन इट कैन बी गिवन ओनली इन अ हॉस्पिटल सेटिंग और व्हेन द पेशेंट इज अवेलेबल टू यू फॉर एवरी 4 आवर्स। ठीक है, ये ब्रेन में बड़ा अच्छा काम करती है, ब्रेन में जाती है और मेनिनजाइटिस को ट्रीट करती है। स्पेशली आपके पास कोई बुड्ढे डोकरे से मरीज आ गए हैं जिनको की मेनिनजाइटिस है, तो उसमें ये क्लास 1 इंडिकेशन है देने का एम्पिसिलिन का। एम्पिसिलिन आईवी 2 ग्राम 4 आवरली फॉर एल्डरली पीपल विद मेनिनजाइटिस। ठीक, तो 3 दवाइयां पढ़ ली हमने, पेनिसिलिन काहे के लिए, रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट के प्रोफाइलेक्सिस के लिए, सिंथेटिक पेनिसिलिन में 2 हैं, मॉक्सक्लैव और एम्पिसिलिन। एक और इनकी बड़ी रिश्तेदार है जिसको हम कहते हैं पिप्रासिलिन टेजोबैक्टम, जोसिन या पिप्जो के नाम से मिलती है, उसको हम थोड़ा सा कहीं अलग पढ़ेंगे। यहां ग्राम पॉजिटिव में यदि आपको इन्फेक्शन मिल रहा है तो ये 2 चीजें सबसे अच्छी हैं, आईवी देना हो तो एमपी, ओरल देना हो तो मॉक्सक्लैव। ठीक, अब इस परिवार में 2 लोग थे, स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलो, और इन स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलो कोकस के अलावा इनके परिवार में एक लड़की है और उसका नाम है वर्षा। ठीक है, ये लड़की जब छोटी थी तो इसका नाम था मरसा, अब ये बड़ी हो गई और इसका नाम हो गया है वर्षा, और ये लड़की नहीं है, साक्षात चुड़ैल है। क्यों? क्योंकि इसका काटा हुआ बचता नहीं है। अगर आपके अस्पताल में भी किसी को ये इन्फेक्शन हुए होंगे मरसा वर्षा के, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये VRSA और MRSA, ठीक है, आपको बड़ा आसान रहता है कि साहब ये बैक्टीरिया है जो किसी के लिए सेंसिटिव नहीं है, कोई एंटीबायोटिक्स पे काम नहीं करेगी, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। बट देन इफ आई आस्क यू कि ये मरसा के या वर्षा के, अगर उसकी माताजी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है तो उसके पिताजी कौन है, बताए? एनी आइडिया कि इस वर्षा को पैदा किसने किया है? इसकी मां आप स्टेफ ऑरियस को मान सकते हो, पर इसके पिताजी आप खुद हो। यस, यू योर सेल्फ एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी हैव यूज्ड एंटीबायोटिक्स सो इनडिस्क्रिमिनेटली कि हमने हर बात पे हर मरीज को एम्पीजेंटा चिपकाए हैं, हमने मामूली सर्दी खांसी पे एमोक्सिसिलिन खाए हैं। एक बार याद करो, जो मेरी एज के लोग होंगे उन्हें याद होगा कि जो लोग बचपन में, जब आज से 30 साल पहले जब बीमार पड़ते होंगे, तब वो बैक्ट्रीम से ठीक हो जाते होंगे उनके बुखार, शायद तब 1 रुपए 2 रुपए की आती थी बैक्ट्रीम डीएस और उससे उनके फीवर ठीक हो जाते थे। हमारे देखते देखते ये फीवर बैक्ट्रीम से ठीक होना बंद हुए, हमारे देखते देखते ये पेट के जो इन्फेक्शन है सिप्लॉक्स से ठीक होना बंद हुए, फिर उसके बाद अगली चीज आई थी प्लेन मॉक्स, हम उसको बचपन में मोक्ष की दवा कहते थे। तो जो मॉक्स थी वो काम करती थी जब हम अर्ली एडल्टहुड में थे, उसके बाद मॉक्स भी काम करना बंद कर दी। आज की तारीख में यदि आपको सॉर थ्रोट विद फीवर होता है तो आप सीधे ऑगमेंटिन खाना चाहते हो या आपका डॉक्टर आपको सीधे ऑगमेंटिन देना चाहता है। क्यों? क्योंकि अब प्लेन मॉक्स भी काम नहीं करती। और अब अगली चीज क्या आ रही है, अब फीरोपेनम खाई जा रही है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे साहब एमोक्सिसिलिन क्लेवोनेट के भी रेजिस्टेंस आने लग गए हैं। तो ये वर्षा चुड़ैल जो है ये हमने ही पैदा की है। कहां से आती है ये कभी ओपीडी में मरीज नहीं लेके आएगा आपके पास कि मुझे मरसा हो गया है। अगर कोई पेशेंट आपके पास ओपीडी में आता है और वाकई वो सीरियस है, आप उसको भर्ती करते हैं और बाद में उसके कल्चर में मरसा आता है, तो वो पेशेंट या तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहा होगा, कैंसर पेशेंट रहा होगा, किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन वाली डिजीज में रहा होगा, HIV पॉजिटिव रहा होगा, बट अदरवाइज ओपीडी में नॉर्मली मरसा वर्षा के पेशेंट नहीं आते। ये बैक्टीरिया नेचर में नहीं होता, ये हमने हॉस्पिटल में ग्रो किया है। जैसे कहते ना कि कोविड भी एक लैब में बनाया गया था, ये लैब्स हमारे सबके अस्पतालों में हैं जिनमें हमने ये मरसा और वर्षा क्रिएट किए हैं। तो ये चुड़ैल हमने बनाई है और इसका इलाज दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। पहले ये मरसा थी तो इसे हम वेंकोमाइसिन से मार दिया करते थे, अब इस चुड़ैल का इलाज वेंकोमाइसिन से भी नहीं हो पाता। तो इसका पहले इलाज होता था वेंकोमाइसिन से, वेंकोमाइसिन आप देते थे 1 ग्राम की IV 12 आवरली और यूजुअली ये रिस्पॉन्ड कर जाती थी। पर उसमें भी दिक्कत क्या है कि वेंकोमाइसिन नेफ्रोटॉक्सिक होती है, जिनको मरसा हो रहा होता है वो वैसे ही बेचारे सेप्सिस में होते हैं, उनकी किडनियां वैसे ही बैठ रही होती हैं, उनको वेंकोमाइसिन देना भी मुश्किल पड़ता है, और तीसरे बड़ी महंगी दवाई है, और अब ये जो मरसा जब बड़ी होकर वर्षा बन गई है तो उसमें ये काम भी नहीं करती। ठीक है साहब,
तो दो और दवाइयां हैं जो इस वर्षा का या मरसा का इलाज कर सकती हैं। एक दवा है डेप्टोमाइसिन, मैंने जीवन में कभी नहीं दी, थ्योरी में पढ़ी है, आप भी पढ़ के रख लो, कभी आपको मिल जाए तो लगा देना। इकलौता इसका कंट्रा इंडिकेशन ये है कि ये मरसा वर्षा के न्यूमोनिया में काम नहीं करता, ये दवाई फेफड़ों में इकट्ठी नहीं होती है, इसलिए इसे लंग्स के इंफेक्शन में नहीं दे सकते। तो अगर मरसा वर्षा से और कुछ तकलीफ हो रखी है आपको, मरसा वर्षा भी वही इंफेक्शन करते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया करता है, परिवार तो सेम है ना, ईएनटी, चेस्ट या स्किन के इंफेक्शन, लेकिन ये ठीक नहीं होते, ये आपकी नॉर्मल रूटीन एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होते। तो दूसरी दवा ये डेप्टोमाइसिन। तीसरी दवा आपने सबने सुनी होगी, मुझे जरा नाम लिख के बताओ तो चैट बॉक्स में, मैं भी देख लूं कितने लोग जाग रहे हैं। लिखो लिखो लिखो, नो ऑडियो नो वीडियो, नहीं यार ऐसा भी नहीं है, 300 लोग बैठे। मेगा फैन किसकी? एम्पिसिलिन की। हाँ आती है ओरल, पर कॉमन नहीं है। हाँ नहीं, मरसा वर्षा में, यस लिनेजोलिड, मरसा वर्षा में जो तीसरी दवाई काम करती है वो है लिनेजोलिड, और लिनेजोलिड इसलिए भी अच्छी है क्योंकि ये ओरल काम कर सकती है। और ओरल आपको कितनी देनी है? 600 mg की दिन में 2 बार। और क्या कर सकते हो आप? लिनेजोलिड दे सकते हो, लिनेजोलिड बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये इसकी थोड़ी सी समस्या है क्योंकि बैक्टीरियाइडल नहीं है। लिनेजोलिड को आप ओरली दे सकते हो, और इसी का एक इंजेक्शन भी आता है जो आपको लगाना पड़ता है आईवी में, और आईवी में कैसे देते हो आप? इसे आईवी में आपको कवर करके देना है, कवर करके देना है मतलब इसे आपको घूंघट में देना है, इसे आपको एक काले कपड़े में लपेट के देना है, क्योंकि अगर इसने रोशनी देख ली, लिनेड की गोली खाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर लिनेजोलिड का इंजेक्शन यदि आपने खुला दे दिया तो आप इंजेक्शन नहीं दे रहे हो, आप पानी ही दे रहे हो। तो तीन दवाइयां ऐसी हैं जिन्हें कि आपको कपड़े में लपेट के देना है, काले कपड़े में, काले प्लास्टिक में। कौन कौन सी तीन दवाइयां जरा नाम लिखो, एक तो मैंने बता दी उसका नाम है लिनेजोलिड, दूसरी तुम बताओ, तीसरी तुम बताओ, लिखो चैट बॉक्स। हिपेरिन नहीं, बिल्कुल नहीं, सोचो सोचो, वेरी गुड, एक ने अच्छा आंसर लिखा है, संध्या ने, नहीं इमेपेनम नहीं, सोडियम नाइट्रोक्साइड, शाबाश, एनटीजी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तीन दवाइयां हैं जिन्हें आपको कपड़े में लपेट के देना है, जिन्हें आपको कवर करके देना है, वो तीन दवाइयां है लिनेजोलिड, दूसरी सोडियम नाइट्रोक्साइड, और तीसरी एम्फोटेरिसिन बी। चैट बॉक्स अभी रहने देना यहीं पर। तो यहां तक अपनी कहानी चली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। इसमें दो राक्षस थे, स्ट्रेप्टोस्टेफाइलो, उनकी एक चुड़ैल बेटी थी वर्षा, इनका सबका इलाज हमने पढ़ा, पेनिसिलिन, सिंथेटिक पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। एम्पिसिलिन का उतना अच्छा ओरल नहीं मिलता, एमोक्सिसिलिन ओरल ज्यादा अच्छा काम करती है। और इसके अलावा हमने पढ़ा चुड़ैल के तीन इलाज, लिनेजोलिड, वेनकोमाइसिन और डेप्टोमाइसिन। यहां तक का समझ में आया हो तो लिखो आया, फिर हम आगे ग्राम निगेटिव पे चलते हैं। यहां तक का पढ़ाया समझ में आया हो तो एक बार लिखें आया, फिर हम चलेंगे ग्राम निगेटिव की तरफ, ठीक है साहब, आगे चलो। चलिए अब बात करते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की। जैसे वायु सेना के थ्रू ग्राम पॉजिटिव अटैक करते हैं, उसी तरह से ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पानी से आता है, गंदे पानी से आता है। ये सारे बैक्टीरिया फीको ओरल रूट से आते हैं, इसलिए इनका अटैक बहुत अलग तरह की जगहों पे होगा, आप भी समझ सकते हो, मैं भी आपको समझाऊंगा। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया सबसे कॉमनली करेंगे आपको यूटीआई। यूटीआई भी कहां करेंगे? फीमेल्स में ज्यादा करेंगे। क्यों ज्यादा करेंगे? क्योंकि ये बैक्टीरिया पानी में होते हैं। यदि जेनिटेलिया के आसपास कुछ गंदा पानी है, वहां से ये फीमेल यूरेथ्रा, क्योंकि छोटा होता है और शॉर्ट होता है और स्ट्रेट होता है, इसलिए ये बैक्टीरिया तुरंत ऊपर चढ़ के यूटीआई या पाइलोनेफ्राइटिस कर पाते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। दूसरा, ये बैक्टीरिया हम अंदर पहुंचाते हैं फोलीज कैथेटर के थ्रू, और यही बैक्टीरिया है जो यूटीआई कराते हैं सबसे ज्यादा और पाइलोनेफ्राइटिस कराते हैं। तो एक तो गंदे पानी से आ रहे हैं, तो कैसे आए? कि अनहाइजेनिक जगह से किसी भी तरह से ऊपर चढ़े यूरिनरी ट्रैक्ट में, या फिर फीको ओरल रूट से। फीको ओरल रूट मतलब क्या? कि
एक का फीको दूसरे का ओरल, बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। फीको ओरल रूट से मतलब गंदे पानी से, कैसे, यदि आपने कहीं भी गंदा पानी पिया या कि मक्खी है जो कहीं गंदी जगह पे बैठी, फिर वो आपके खाने पे बैठी, आपने वो खाना खा लिया, लैक ऑफ हाइजीन से आते हैं ये सारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इसलिए ये हमारे देश में ज्यादा होते हैं कंपेरेटिवली, विदेशी हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ का पानी पी के इसीलिए बीमार पड़ते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ के एक बैक्टीरिया का नाम उन्होंने क्या न्यू डेली बग रख दिया था, एक ईकोलाई था हमारे यहाँ का। तो ये बैक्टीरिया आता है गंदे पानी से, कहाँ कहाँ अटैक करेगा अगर ये गंदे पानी से आता है तो? आप ही सोच के बताओ, क्या ये उड़ के ईएनटी में जाएगा? नहीं जाएगा। क्या ये उड़ के स्किन में जाएगा? नहीं जाएगा। क्या ये उड़ के सीधा चेस्ट में जाएगा? नहीं जाएगा। तो कहाँ कहाँ जाएगा इसकी बात करते हैं। तो डेफिनेटली ये ईएनटी का और स्किन का डायरेक्ट इन्फेक्शन नहीं करता। अगेन यहां मैं बात कहूंगा कि जो भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूं वो 80% को कवर करता है। मेडिसिन में हर चीज के एक्सेप्शंस हैं, मैं भी आपको वो एक्सेप्शंस बता सकता हूं, पर यदि मैं हर चीज के एक्सेप्शन साथ में पढ़ाऊंगा तो आपको ना मेन चीज याद होगी ना एक्सेप्शन याद होगा। यहां मैं आपको सिर्फ एक लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया चूंकि एरोसोलाइज्ड है तो वो ईएनटी या स्किन के या चेस्ट के इन्फेक्शन ज्यादा करेगा। ये बैक्टीरिया चूंकि वाटर बोर्न है, आपके फीको ओरल रूट से जाता है, इसलिए ये जीआई के या यूरोजेनाइटल ट्रैक के इन्फेक्शन ज्यादा करेगा। जीआई में कैसे जाएगा? आपने गंदा पानी पिया, बैक्टीरिया अंदर अंदर जाके ग्रो कर गया। यूटीआई में कैसे जाएगा? बताया ही मैंने आपको, स्पेशली फीमेल यूटीआई में। इसके अलावा ये बैक्टीरिया चेस्ट में जाने के लिए बना नहीं था, ब्रेन में हर बैक्टीरिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड स्ट्रीम में है वो ब्रेन में जाके इंस्टॉल हो जाए और ग्रो कर जाए। चेस्ट में ये बैक्टीरिया जाने के लिए नहीं बना था, प्रकृति ने इसको नहीं बनाया था। आपकी ओपीडी में कोई आदमी क्लेब्सियला का चेस्ट इन्फेक्शन लेके नहीं आएगा। चेस्ट में भी इस बैक्टीरिया को जाना हमने सिखाया। हमने सुना है क्लेब्सियला से न्यूमोनिया होता है, पर क्लेब्सियला का न्यूमोनिया कम्युनिटी एक्वायर्ड नहीं होता। मरीज उसे ओपीडी में लेके नहीं आता, मरीज उसे अपने घर से लेके नहीं आता, उसे हम देते हैं, हमारा नर्सिंग स्टाफ देता है। जब वो एक वो गंदे से पड़े सक्शन को उठाता है और उससे पेशेंट का ओरल कैविटी या इवन उसका ईटी ट्यूब सक्शन कर देता है, फिर उसको वापस टांग देता है क्योंकि सक्शन कैथेटर महंगा आता है, फिर उसको निकालता है, उससे दोबारा सक्शन करता है, फिर थोड़ी देर बाद वो गिर जाता है जमीन पे, उसको निकाल के उन्हीं हाथों से वो तीसरी बार उसका सक्शन करता है। इस बैक्टीरिया को चेस्ट में हमने पहुंचाया है, और ये बैक्टीरिया चेस्ट में पहुंच जाए तो व्यक्ति को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पानी के रास्ते आएगा, जीआई में जाएगा, क्या क्या कराएगा? आपके हिपेटोबिलियरी सारे इन्फेक्शन करा देगा, और क्या कराएगा? आपके जितने ये कोलाइटिस सीलियाइटिस हैं वो सब करा देगा, आपको डायरिया कराएगा, आपको मतलब आपके मरीज को कराएगा, यूटीआई कराएगा, सिस्टाइटिस कराएगा, पाइलोनेफ्राइटिस कराएगा। अगेन जैसा मैंने कहा कि उड़ते हुए एरोसोल से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आके सुसु के रास्ते ऊपर नहीं चढ़ सकता, इसलिए जितने पाइलोनेफ्राइटिस हैं वो केवल ग्राम निगेटिव के मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि दो रास्तों से जाएगा, या तो ग्राम निगेटिव यूरिनरी ट्रैक्ट से नीचे से ऊपर चढ़ा और किडनी में जाके इंस्टॉल हो गया और किडनी में जाके पाइलोनेफ्राइटिस कर दिया, या फिर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ब्लड में सर्कुलेट हो रहा था और ब्लड में से जाके सेप्सिस का पेशेंट था और ब्लड में से जाके किडनी में बैठा और किडनी में जाके सीड कर गया और पाइलोनेफ्राइटिस कर दिया। तो पाइलोनेफ्राइटिस में आपको कभी स्ट्रेप्टोकोकस नहीं मिलेगा, आपको हमेशा ईकोलाई, क्लेब्सियला, शिगेला टाइप की चीजें मिलेंगी, ठीक है साहब। ब्रेन में अगेन जो बैक्टीरिया ब्लड में रह सकता है वो ब्रेन में जा सकता है, इसके भी मेनिनजाइटिस होते हैं, वो एच इन्फ्लुएंजी और क्या क्या है जो सब कराते हैं वो आप देख लेना। अगेन हम जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं एंटीबायोटिक्स के और बैक्टीरिया के। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को मारने की सबसे अच्छी एंटीबायोटिक कौन सी है? सबसे अच्छी बताना, रूटीन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को मारने की सबसे अच्छी एंटीबायोटिक कौन सी है? लिखो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेट्रोजिल नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हटाओ। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को मारने की सबसे अच्छी दवाई अमीनोग्लाइकोसाइड है। इनका जन्म ही ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए हुआ था। दो दवाइयां हैं जो, एक हमारे जीपी सर एमपी के साथ जेंटा लगाते थे वो वाली, और दूसरी आपकी अमीकासिन। अमीकासिन हम देते ना 500 mg की बीडी में। अमीनोग्लाइकोसाइड्स बेस्ट एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन इनको आईवी देना पड़ता है। तो अगेन आप अपनी ओपीडी में बुला के नहीं लगा सकते, आपको ओरल दवाइयां चाहिए थी, इसलिए फ्लोरोक्विनोलोन्स आए।
फ्लोरोक्विनोलोन्स आए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए। इनकी चार पीढ़ियां आई, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा कर रहे हैं। इनकी जो सबसे पहली पीढ़ी थी वो थी ओफ्लोक्सासिन वाली, जिसको आप 200 एमजी की बीडी देते थे। जैसे जैसे फ्लोरोक्विनोलोन की जनरेशन बढ़ती है, फर्स्ट से सेकंड जनरेशन, सेकंड से थर्ड जनरेशन, वैसे वैसे इनका सिस्टमिक इफेक्ट बढ़ता जाता है। ओफ्लोक्सासिन का इफेक्ट गट में ज्यादा है, लेकिन आपके पास अगर कोई पेशेंट केवल डायरिया लेके आया है तो वो ओफ्लोक्सासिन से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वही मरीज आपके पास डायरिया के साथ फीवर लेके आया, उसको सिस्टमिक सिम्टम्स आ रहे हैं, तब वो ओफ्लोक्सासिन की बजाय नॉर्फ्लोक्सासिन उसके लिए बेहतर दवाई रहेगी। तो चूंकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया गट में काम करते हैं, ओफ्लोक्सासिन दोगे केवल गट के लिए, नॉर्फ्लोक्स दोगे गट के अलावा सिस्टमिक के लिए भी, और ऊपर के एंटीबायोटिक्स में जाओगे लिवोफ्लोक्सासिन, वो गट और सिस्टमिक इवन चेस्ट को भी कवर कर लेती है, बहुत सारे न्यूमोनिया के लिए काम करती है, इवन माइकोबैक्टीरिया के लिए भी काम करती है, ट्यूबरक्लोसिस में भी एक रिजर्व ड्रग्स में से रखी जाती है। तो ओफ्लोक्सासिन हो गई, नॉर्फ्लोक्सासिन हो गई, लिवोफ्लोक्सासिन हो गई, और इससे आगे की पीढ़ियों में आई इनकी गेटिफ्लोक्सासिन और पारफ्लोक्सासिन, और अंत में इसमें आई मॉक्सीफ्लोक्सासिन, जिसके बारे में मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो दवाई अभी भी बेचारी कहीं कहीं कुछ कुछ काम करती है, वो भी यदि हम इंडिस्क्रिमिनेट यूज करने लग गए तो यकीन मानो आगे का जीवन बड़ा खराब होने वाला है। तो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया थे जो कि बेचारे चेस्ट में जाने के लिए नहीं बने थे, और हमने पहुंचाया, हमने अपनी अनहाइजीनिक हैबिट्स से इन्हें अपने अंदर बुलाया, और अल्टीमेटली इन्होंने हमें इन्फेक्शन फैलाया। इन्हीं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की दो तरह की और संतानें हुई। जैसे स्ट्रेप्टोर स्टेफाइलो की संतान हुई थी मरसा और वर्सा, वैसे ही इनकी संतानें हुई दो तरह की। एक का नाम रखा गया एमडीआर ग्राम निगेटिव। एमडीआर मतलब वो जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, जो बहुत सारी दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंट है, जो बहुत सारी दवाइयों से ठीक नहीं होते। इन एमडीआर को मारने के लिए आपको और दवाइयां खोजनी पड़ी। कौन कौन सी खोजी आपने? रूटीन ग्राम निगेटिव आपके फ्लोरोक्विनोलोन से मर जाते थे, लेकिन जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट थे उसमें आपको सिफेलोस्पोरिन पे जाना पड़ा। सिफेलोस्पोरिन की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी जनरेशन जैसे जैसे बढ़ती है, फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन ग्राम पॉजिटिव पे बड़ा अच्छा काम करता है, लेकिन थर्ड जनरेशन आते आते सिफेलोस्पोरिन का ग्राम निगेटिव कवरेज भी बड़ा अच्छा हो जाता है, इंप्रूव होने लगता है, और जब आप और ऊपर के सिफेलोस्पोरिन पे जाते हो तो उनका ग्राम निगेटिव कवरेज इंक्रीज होता जाता है। तो यहां एमडीआर ग्राम निगेटिव में कौन कौन काम करते हैं? सिफेलोस्पोरिन कौन कौन से, थर्ड जनरेशन कौन कौन से आपके, सेफ्ट्रियाक्सोन, सिफोपेराजोन, सिफोटैक्सिम, और ऊपर जाओ तो फोर्थ जनरेशन, और ऊपर जाओ तो फिफ्थ जनरेशन, या फिर पिप्रासिलिन और टेजोबैक्टाम। ये है सिंथेटिक पेनिसिलिन, पर इसका ग्राम निगेटिव कवरेज बहुत अच्छा है। लेकिन इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम भी अपने अस्पताल में ढेर पिप्जो लगाते होंगे या जोसिन लगाते होंगे, और फिर कहते होंगे कि यार इससे भी सब रेजिस्टेंट होंगे, इनसे भी कोई ठीक नहीं होता। पिप्रासिलिन टेजोबैक्टाम को देने का जो सही तरीका है वो बता रहा हूं। पिप्जो दी जाती है 4.5 ग्राम 8 आवरली देनी हो तो आपको सबको पता है, पर इसे देना है सिरिंज पंप से इन्फ्यूजन चला के 4 घंटे में। कभी आपने दिया नहीं, आपने लिखा 4.5 8 आवरली, सिस्टर ने भरा 10 ml में और ठोक दिया। बहुत अच्छी सिस्टर थी तो टेस्ट डोज लगा के ठोक दिया, अदरवाइज उसके अलावा कुछ नहीं होता। आपको देना है पिप्रासिलिन टेजोबैक्टाम 4-4 घंटे के इन्फ्यूजन में, मतलब सुबह 8 बजे के इन्फ्यूजन शुरू हुआ तो 8 से लेके 12 बजे तक चलेगा, और 2 बजे तो आपके अगले डोज का टाइम आ जाएगा, 2 या 4 बजे तक फिर आपका इन्फ्यूजन चालू हो जाएगा। तो दिन में कम से कम 12 घंटे तो इसका इन्फ्यूजन चलेगा, और ऐसा करके यदि आप देते हो तो आप देखना आपका सिंपल सा पिप्जो भी कितना अच्छा काम करता है। इस पूरे लेक्चर से अगर ये भी एक चीज सीख के चले गए तो भी बहुत काम आएगी, आपके भी और आपके मरीजों के भी। मुझे डर लगता है, कई बार मुझे डर लगता है कि जैसे मेरे देखते देखते बैक्ट्रिम डीएस काम करना बंद की, मेरे देखते देखते मॉक्स काम करना बंद की। यार हम सब लोग भी तो कितने 30s 40s में तो चल ही रहे होंगे, आज से 20-30 साल बाद हमारा भी टाइम आएगा। डॉक्टर लोग हैं, फिट लोग हैं, हार्ट के तो स्टेंट डलवा लेंगे, बायपास करा लेंगे। हमारे जाने के कॉज क्या बनेंगे? हमारे जाने के कॉज बनेंगे या तो ओल्ड एज के इन्फेक्शंस, और या हमारे जाने के कॉज बनेंगे कैंसर्स, और कैंसर में भी आदमी अल्टीमेटली तो इन्फेक्शन में ही जाता है। तो यार कुछ तो एंटीबायोटिक्स ऐसी हो जो चलती रहे कि अपने को थोड़े टाइम और चला लें, दूसरों के लिए नहीं अपने लिए कर लो। दूसरे ये जो हम भरपल्ले हर किसी को जो नई मार्केट में एंटीबायोटिक आती है, फोर्थ जनरेशन है, बहुत अच्छी है,
ये लगाओ, अब हर कोई वो लगा रहा है। मोक्सीफ्लोक्सासिन लिख रहे हैं, हड्डी वाले सारे लिनेजोलिड चिपका रहे हैं हर मरीज को। क्यों? क्योंकि साहब उनका तो वो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन है, कहीं मरसा हो गया तो क्या। तो मेरे एक मरीज को मरसा ना हो जाए, इस चक्कर में वो मरसा को और बढ़ाए दे रहे हैं, मरसा को वर्षा बनाए दे रहे हैं। तो भैया कोशिश करो कि एक एक बड़े अच्छे सर हैं, एक लेक्चर सुना था मैंने, बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जब भी किसी को एंटीबायोटिक लिखो तो अपने आप को एक जोर का थप्पड़ मारो, क्योंकि तुम शायद उस व्यक्ति का बुरा कर रहे हो और समाज का तो बुरा कर ही कर रहे हो। तो भैया ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक जाना ही क्यों पड़ा? क्योंकि हमने इंडिस्क्रिमिनेट और गलत यूज किया है एंटीबायोटिक्स का। चलो ज्ञान बहुत हो गया, फिर वापस आते हैं। इसमें ग्राम निगेटिव की दो संतानें थी, एमडीआर ग्राम निगेटिव, जिनको कि हमने थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन से मारा, और पिप्रासिलिन टेजोबैक्टाम से मारा। लेकिन पिप्रासिलिन टेजोबैक्टाम का इन्फ्यूजन चलाया चार चार घंटे दिन में तीन बार, 24 में से 12 घंटे सिरिंज पंप चल रहा है आपका। दूसरे आए थे ESBL यानी कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेज वाले। ये कौन से हैं? ये भी ग्राम निगेटिव की ही एक और संतान है, ये और खतरनाक है, ये बिल्कुल नहीं मरता, ये ऑलमोस्ट अमरफल खाया हुआ जैसा है। अब इसके लिए या तो फिफ्थ जनरेशन काम करेगी, नहीं तो आपकी कार्बापिनेम काम करेंगे। कौन कौन से? मीरोपिनेम, फिर दूसरी चीज काम करेगी कोलिस्टिन, और तीसरी चीज काम करेगी आईवी फॉस्फोमाइसिन, और आखिरी चीज काम करेगी टिजीसाइक्लिन। पर कोशिश करो कि ये दवाई अपने ओपीडी में, अपने अस्पताल में, अपने वार्ड में ना दी जाए। मैं एक बहुत समय पहले एक बहुत बड़े अस्पताल में काम करता था, वहां पर यदि आपने किसी को मीरोपिनेम लिख दी, कंप्यूटर में होती थी सारी एंट्री, और ये मैं 15 साल पहले की बता रहा हूं, आपने किसी को मीरोपिनेम लिख दी तो फार्मेसी डिपार्टमेंट में जैसी रिक्वेस्ट आती थी वैसे ही इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी को ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाता था कि किसी ने मीरोपिनेम लिखी है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी से दो लोग आ जाते थे और सीनियर सर्जन को बुला के उसका वाइवा लेते थे कि आपको क्यों लगता है कि इसको मीरोपिनेम की जरूरत है, आपको क्या लगता है कि इसको कौन सा बैक्टीरिया होगा, क्या आपको कल्चर में पॉजिटिव निकला। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हिंदुस्तान है, धड़ल्ले से हमको जो मन में आता है लिख देते हैं, दवाई की कंपनी वाला सिखा जाता है, दवाई की दुकान वाला दे देता है, हम लिख देते हैं। हम मोक्सीफ्लोक्सासिन भी चला रहे हैं, हम गेटीफ्लोक्सासिन भी चला रहे हैं, क्योंकि अच्छा काम करती है। उल्टा सोचो, कल को कभी तुम अपने अपने ही ट्रीट किए हुए मरीज से कोई रेजिस्टेंट बैक्टीरिया लेके अपने घर चले गए और तुमने खांस के वो बैक्टीरिया अपने बच्चे को दे दिया जो बेचारा वीक है, छोटा है, तो क्या होगा? तो थोड़ा सा भैया एंटीबायोटिक को लेके रिस्ट्रिक्टेड हो जाओ, बिल्कुल बेसिक सिंपल से काम करो। अपने मरीज को भी सिखाओ कि साहब हो सकता है कि तीन दिन बाद असर आए। हम क्या चाहते हैं, क्योंकि पड़ोस वाला जो जो जीपी है वो स्टेरॉइड भी ठोक देता है साथ में, और डायनापार भी लगा देता है साथ में, और ये भी देता, और मीरोपिनेम लगा देता आई भी, तो उसका मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। पर भैया अपने मरीज को समझाओ कि जो दवाई दे रहा हूं उसका असर आते आते तीन डोज लगेंगे, उसके बाद ठीक होगा। अगर आपका क्लिनिकल अच्छा है, अगर आपको आइडिया है कि इसको क्या हुआ होगा, तो आज भी इन्फेक्शन ठीक होते हैं। ऐसा नहीं कि हर इन्फेक्शन के लिए आपको मीरोपिनेम कोलिस्टिन टिजीसाइक्लिन चाहिए। चलो फिर वापस आते हैं। तो दो तरह के बैक्टीरिया हुए हमारे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव की संतान है मरसा वर्षा, निगेटिव की संतान है एमडीआर और ESBL। 10 मिनट में बचे हुए दो बैक्टीरिया करेंगे, फिर चार सवाल आपसे पूछूंगा, फिर चार सवाल आप मुझसे पूछना। तो आगे पर आते हैं हम एटिपिकल पे। यहां तक की कहानी में मजा आया हो तो फिर से एक बार लिखो आया, फिर मैं एटिपिकल बैक्टीरिया बताऊंगा आपको। एटिपिकल हमारे यहां कहते हैं, हाँ ये मेडिकल रेप की भी गलती है, बिल्कुल सही बात है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पिप्टास टीडीएस। हाँ आया, दो को तो आया। एटिपिकल को हमारे यहां मध्य प्रदेश में मालवा साइड एबला कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको एनोमलस कहते हैं। एनोमलस मतलब जो जहां नहीं होता हो वैसा होना चाहिए। जो मैं अपने एग्जाम्पल में कह रहा था कि जैसे आपके परिवार में एक चाचा जी होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती और वो अजीब से रहते हैं, परिवार से अलग अलग भी रहते हैं, तो एटिपिकल मतलब जो बैक्टीरिया के परिवार से तो हैं पर फिर भी बैक्टीरिया जैसे दिखते नहीं है, बैक्टीरिया जैसी हरकतें नहीं करते पर इन्फेक्शन करते हैं। तो इनके नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा, क्लेमेडिया, लीजियोनेला, रिकेट्सिया, और भी दो चार है, मुझे तो याद भी नहीं। ठीक है, ये बैक्टीरिया बिल्कुल ग्राम पॉजिटिव जैसे हैं, बस शक्ल में अलग दिखते हैं, इनके काम ग्राम पॉजिटिव जैसे हैं। तो अगर मैंने आपको एक बार बता दिया कि ग्राम पॉजिटिव जैसे हैं, तो आप मुझे पलट के बताओ कि ये कहां कहां इन्फेक्शन करेंगे, कहां कहां नहीं करेंगे। आप लिखते जाओ, पहले ये बताओ कि कहां करेंगे, इन्हीं में से शब्द लिख देना, ENT, चेस्ट, स्किन, UTI, GIT, ब्रेन, लिखो जरा। एटिपिकल बिल्कुल ग्राम पॉजिटिव जैसे हैं, कहां काम करेंगे?
ENT में करेंगे, चेस्ट में करेंगे, शाबाश, बिल्कुल यही सिखाना है। सिर्फ एक अप्रोच डेवलप करनी है कि पॉजिटिव है तो यहां काम करेगा, यहां तो निगेटिव जा ही नहीं सकता। शाबाश, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड, अच्छी ऑडियंस है। तो ये बैक्टीरिया जीआईटी में काम नहीं करेंगे, यूटीआई में काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उड़ के जा रहे ना भाई, जीआईटी में कैसे जाएगा उड़ के? अब फिर भी तुम कहो कि हाँ सब क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, अभी आएगा एक आध कमेंट यूट्यूब में या कहीं ना कहीं, सर क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस भी तो करती है। हाँ करती है ना। अब फिर मैं कहूंगा कि स्किन में नहीं घुसते, तुम कहोगे नहीं सब रिकेट्सिया जो है वो रॉकी माउंट, क्या होता है अंग्रेजी में, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर करता है। तूने देखा कभी जिंदगी में? मैंने नहीं देखा, तूने देखा तो इलाज कर ले। ठीक है, खैर तो काम की बात, कहां काम करेंगे? ये ईएनटी में काम करेंगे, और कहां करेंगे? चेस्ट में करेंगे, और क्या करेंगे? कभी दिमाग में घुस ही गए तो वहां भी मेनिनजाइटिस कर देंगे। तो स्किन में जा सकते हैं पर जाते नहीं है। ये बैक्टीरिया क्या कराते हैं? जो एक एडल्ट आदमी को सॉर थ्रोट होता है उनमें अक्सर काम करते हैं ये, और एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में एटिपिकल बैक्टीरिया बहुत सारा इफेक्ट दिखाते हैं अपना। ब्रेन में जाके कभी कभी कुछ कुछ कर सकते हैं पर बहुत काम की चीज नहीं है। इनकी एंटीबायोटिक पे जाते हैं। एटिपिकल बैक्टीरिया के लिए दो तरह के एंटीबायोटिक्स हैं। एक ग्रुप को हम कहते हैं मैक्रोलाइड्स और दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं टेट्रासाइक्लिन्स। मैक्रोलाइड्स मतलब वो जिनके भी अंत में थ्रोमाइसिन लगता हो, थ्रो मतलब फेंको। तो मैक्रोलाइड्स कौन कौन से? एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। सारी याद करने की जरूरत नहीं है, आजकल ज्यादातर यूज नहीं होती। इकलौती चीज जो काम आती है एजिथ्रोमाइसिन। कितनी देना है? 500 mg की ओडी देना है। कहीं मैं कह रहा हूं कि एम्पिसिलिन चार चार घंटे में लगानी है, कहीं मैं कह रहा हूं कि एजिथ्रोमाइसिन केवल दिन में एक बार देनी है, लीवोफ्लोक्सासिन दिन में केवल एक बार देनी है। क्यों भैया? इसकी हाफ लाइफ अच्छी है और केवल तीन दिन देनी है, तीन दिन देके भी काम हो जाता है। तुमने देखा होगा एजिथ्रोमाइसिन की गोली भी तीन का ही पत्ता आता है, दस का नहीं आता कभी। ठीक है, ऑगमेंटिन में उसको पता है ये खाएगा भी आठ दिन तक, दिन में तीन बार 15 की गोली आती है। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन का तीन का ही पत्ता आता है। क्यों? क्योंकि तीन दिन खाओ और सात दिन मजे करो, ये WBC में जाके इकट्ठी हो जाती है। एक तरफ तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम कर रहे हैं, इसी चक्कर में कोविड में खूब खिलाई गई कि कुछ नहीं तो थ्रोट का इन्फ्लेमेशन तो ठीक करेगी। और तीन दिन आप इसको खाते हो, ये सात दिन आपके WBC में जाके रहती है और WBC के साथ मिलकर बैक्टीरिया को मारती रहती है। तो इसलिए लॉन्ग एक्टिंग है और लॉन्गर एक्टिंग है। तो एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की ओडी ओरल दी जा सकती है, बड़ी अच्छी चीज है। दूसरी दवाइयां हैं इसकी टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स में दो हैं, एक है आपका डॉक्सीसाइक्लिन। अगर किसी को रैश के साथ फीवर आ रहा है, अजीब सा आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो उसमें डॉक्सीसाइक्लिन बड़ी अच्छी दवा है। कैप्सूल आता है 100 mg का BD, बहुत ज्यादा यूज नहीं किए जाते टेट्रासाइक्लिन क्योंकि इनके बेचारों के साइड इफेक्ट बहुत हैं। बच्चे को नहीं दे सकते, प्रेग्नेंट महिला को नहीं दे सकते, तमाम तरीके इसमें गदर है, तो इसलिए इसको बहुत सोच समझ के यूज करना है। तो सिंपल काम है ना, एजिथ्रोमाइसिन खिलाओ और खुश रहो। दूसरी दवाई है टीजीसाइक्लिन। इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ी दवाई है, बहुत हेवी दवाई है। ये जो जिनको मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं बताऊंगा, मॉक्सीफ्लोक्सासिन या टीजीसाइक्लिन, इनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसमें हम इंडिविजुअल बैक्टीरिया वाइज पढ़ेंगे चीजें कि एच इन्फ्लुएंजी पे क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, या कि सूडोमोनास को एंटी सूडोमोनल एंटीबायोटिक्स कौन सी है और वो हेल्प वाली एंटीबायोटिक्स कौन सी है, वो सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे 3 हफ्ते बाद। अभी हम एक बहुत जनरलाइज कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि कौन सा बैक्टीरिया कहां अटैक करता है, उसके लिए कॉमन दवाइयां कौन सी हैं। इतना भी आ गया ना, यकीन मानो बहुत इजी हो जाएगी जिंदगी। तो टेट्रासाइक्लिन में डॉक्सीसाइक्लिन और टीजीसाइक्लिन। तो यहां तक हम अपने बैक्टीरिया के तीन परिवार पूरे कर चुके हैं, 5 मिनट में चौथा परिवार पूरा करूंगा, जल्दी से शुरू करते हैं। आखिरी बैक्टीरिया जो है वो है एनएरोबिक बैक्टीरिया। अब ये घर के भेदी क्यों है? क्योंकि आपके शरीर में हमेशा रहते हैं, आपकी या तो मिट्टी में रहते हैं, नहीं तो आपकी ओरल फ्लोरा में रहते हैं, नहीं तो आपकी गट फ्लोरा में रहते हैं। ये सिर्फ मौका देखते हैं, जब इनको मौका मिलता है तब ये इन्फेक्शन कर देते रहते हमेशा हैं आपके साथ। आपकी ओरल कैविटी में अभी भी ढूंढने जाओगे तो वो कौन से प्रेवोटेला वगैरह तमाम तरह के बैठे होंगे अंदर। इनके नाम भी किसी ने नहीं सुने, इनको हमेशा एनएरोबिक बैक्टीरिया करके रखते हैं। जब भी आप याद करने बैठते हो तब ढूंढते हो कि फ्यूसोबैक्टीरियम है और प्रेवोटेला और कौन सा टेला, एक नाम याद आता है खाली Clostridium, उसके दो बॉटुलिनम या डिफिसिल। अदरवाइज आपको एनएरोबिक बैक्टीरिया का नाम भी पूछो तो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे एक जैसे हैं, एक जैसा काम करते हैं। कहां होते हैं? आपकी ओरल कैविटी में। तो आपने दांत का कोई काम करवाया, रूट केनाल कराया, कुछ कराया और जरा कुछ हाइजीन की मिस्टेक हुई तो आपको इन्फेक्शन करा देगा।
एनएरोबिक इन्फेक्शन को पहचानना है तो पहली चीज याद रखो, जहां भी पस पड़ा, मवाद पड़ा, जहां भी शब्द आया एब्सेस, वहां पहला काम एनएरोबिक का, क्योंकि एब्सेस वो जगह है जहां पे कि ऑक्सीजन नहीं होती। तो कोई कहे ब्रेन एब्सेस कौन कराता है? एनएरोबिक बैक्टीरिया। लिवर एब्सेस कौन कराता है? एनएरोबिक बैक्टीरिया। कोई सा भी एब्सेस कौन कराता है? बोन एब्सेस कौन कराता है? एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो जहां शब्द आया एब्सेस, वैसे ही बात करो एनएरोबिक बैक्टीरिया की। दूसरे, ये बैक्टीरिया आपकी गट में भी घूमता रहता है और कुछ नहीं बिगाड़ता आपका, लेकिन अगर आपकी वो इंटेस्टाइन चलती चलती रुक गई, अगर ये आपकी इंटेस्टाइन रुकी तो ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, इतना ग्रो करेगा इंटेस्टाइन को फोड़ के बाहर आ जाएगा, पूरा पेरिटोनाइटिस कर देगा और उसमें इन्फ्लेमेशन करा देगा, सेप्सिस करा देगा। दिस इज एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो जब भी कभी जीआई सर्जरी में इंफेक्शन हुआ है, किसी का पेट खोला था और उसके बाद उसको इंफेक्शन हुआ है, मान के चलो कि इसमें दूसरे होंगे सो होंगे, ग्राम निगेटिव होगा, हो सकता है ग्राम पॉजिटिव भी हो, पर एनएरोबिक भी पक्का होगा। तो किसी को अगर पोस्ट सर्जिकल इंफेक्शन है, पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी का इंफेक्शन है, तो उसे एक मेट्रोजेल जरूर चिपका दो। तो एनएरोबिक बैक्टीरिया को मारने की दो ही एंटीबायोटिक्स, कौन कौन सी? पहली मेट्रोजेल और दूसरी क्लिंडामाइसिन। मेट्रोजेल मतलब, अगर इन ब्रांड नेम बोल रहा हूं, मेट्रोनिडाजोल 400 mg 8 आवरली ओरल, गोली खानी पड़ती है दिन में 3 बार। अब आजकल इसके बड़े वाले सॉरी बड़े वाले आ गए हैं, ऑर्निडाजोल या सेक्निडाजोल, वो एक बार भी खा के काम चल जाता है। तो मेट्रोजेल 400 mg की 8 आवरली ओरल खानी है। यही 400 mg 100 ml की बॉटल में भी आता है, उसको आप 8 आवरली लगा भी सकते हो यदि मरीज अस्पताल में है आपके पास। क्लिंडामाइसिन आपको देनी है 300 से 600 mg की TDS ओरल दी जा सकती है, या फिर 600 mg की IV 8 आवरली दी जा सकती है। तो ये दो दवाइयां हैं जो एनएरोबिक बैक्टीरिया में काम करेंगी। क्लिंडामाइसिन के साथ सबसे अच्छी बात है कि ये एनएरोबिक को तो कवर कर ही रही है, साथ में मरसा को भी कवर कर रही है, और इसका एक एंटीटॉक्सिन इफेक्ट भी है। भाई क्लॉस्ट्रिडियम जैसी चीजें अगर आपके शरीर में घूम रही हैं तो ये टॉक्सिन्स भी पैदा करती हैं, उन टॉक्सिन के लिए इसका एंटीटॉक्सिन इफेक्ट है। तो मेट्रोजेल या क्लिंडामाइसिन आप यूज कर सकते हो। और भी दवाइयां हैं, वो भी बताता हूं। पहले ये समझ लो कि अगर डायफ्राम के ऊपर एनएरोबिक सोच रहे हो तो क्लिंडामाइसिन, ठीक। अगर डायफ्राम के नीचे एनएरोबिक सोच रहे हो तो मेट्रोजेल, और बाकी की कुछ जो बड़ी बड़ी दवाइयां हैं आपके, इमीपेनम मेरोपेनम हुए, पिप्रासिलिन टेजोबैक्टाम हुई, या मॉक्सीफ्लोक्सासिन हुई, ये ओवरऑल भी सब जगह एनएरोबिक को भी कवर कर लेते हैं। तो पिप्रासिलिन टेजोबैक्टाम अपने आप में बहुत सारी चीजें कवर कर लेती है, ये हम अगली क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। पर एनएरोबिक इंफेक्शन की प्राइमरी दवाई मेट्रोजेल या क्लिंडामाइसिन, और यदि आईसीयू का इंफेक्शन है तो यदि आपने पिप्जो दे रखी है या मीरोपेनेम लगा रखी है तो वो एनएरोबिक को भी कवर कर रही होगी। तो मेरे पढ़ाने का हिस्सा यही तक था। अब मैं आपसे 4-5 बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगा जो मैंने अभी हाल ही पढ़ाए हैं, उसी में से पूछूंगा, आपको सिर्फ चैट बॉक्स में आंसर देने हैं। उसके बाद मैं डिस्कशन को ओपन करूंगा जिसमें आपको जो सवाल पूछने आप चैट बॉक्स में या यूट्यूब में कमेंट्स में पूछ सकते हो, और मैं डॉक्टर ऐश्वर्य को बुला लूंगा, मैं उनसे प्रश्न पूछता जाऊंगा, वो जवाब देते जाएंगे। राइट, यहां तक का लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरा एक बार लिखो मजा आया, पूरा भी ना लिखो तो भी चलेगा। वॉइस लो है किसी को लग रहा है? हाँ ठीक है, आया यहां तक तो आया। ये क्या, इस तरह से मैं चेक कर लेता हूं कितने लोग जागे हुए हैं, कितने लोग खाली चला के घूम रहे हैं। ठीक है, गुड गुड गुड। चलिए तो अब जवाब देने का वक्त है। पहला सवाल आपके लिए, ऐश्वर्य सर आप भी आ जाओ। तो पहला सवाल आप लोगों के लिए, आप चैट बॉक्स में लिखोगे यूटीआई का कॉज कौन सा बैक्टीरिया, ये पहली ट्रायल बॉल है। पहला मतलब कौन सा बैक्टीरिया, मतलब नाम नाम नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए। ग्रुप मैंने जो 4 चीजें बताई थी ना उनमें से, हाँ जीने का अच्छा लगेगा, ग्राम निगेटिव, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है बेटा, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। अब मुझे बताओ, ये थोड़ा सा गुगली है कि यूटीआई में आपकी पहली एंटीबायोटिक की चॉइस क्या है। कोई ओपीडी में आपके पास यूटीआई लेके आया, पहली दवाई क्या दोगे? एक दो लोग सही भी लिख रहे हैं आप सब। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन सही है, ज्यादातर लोगों ने लिख भी दिया है। कुछ लोग फ्लोरोक्विनोलोन से स्टार्ट कर रहे हैं, बट फ्लोरोक्विनोलोन हम लोगों को फर्स्ट लाइन में नहीं देना है, यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के लिए हम लोगों को बचा के रखना है। तो यूटीआई में पहली दवाई नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, एक और फॉस्फोमाइसिन भी देते ना, फॉस्फोमाइसिन का भी सैशे आता है, 3 ग्राम का सैशे, आधे ग्लास पानी में मिला के दे दो, एक सिंगल स्टैट डोज रहेगा,
और उससे आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा। ये हमको देना है अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में। अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या सर? अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब कि वो यूटीआई जो सिर्फ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट तक ही सीमित है, वो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब कि किडनीज को, ब्लैडर को, या फिर उसने सेप्टिसीमिया नहीं किया है, उस चीज को अनकॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। अगर वही चीज पाइलोनेफ्राइटिस कर दे, सिस्टाइटिस कर दे, या यूरोसेप्सिस कर दे, तो उसको कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बोला जाता है। एक और बात, मेल में हमेशा हर यूटीआई कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मेल यूटीआई जो हमेशा होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि एक मेल का जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है फीमेल से अलग होता है। फीमेल का ट्रैक्ट सीधा और स्ट्रेट, मेल का टेढ़ा मेढ़ा, घुमावदार और लंबा। तो अगर इन्फेक्शन को ऊपर पहुंचना है मेल्स के अंदर, तो उसको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, पर फीमेल में वो डायरेक्टली पहुंचता है। तो मेल यूटीआई है मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। तो यूटीआई की पहली दवाई नाइट्रोफेरेंटाइन कितनी? 100 mg बीडी के डोज में देना है, सिर्फ 7 ही दिन देना है। अगर लंबा समय आपने दे दिया तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवा सकता है। ठीक, दूसरी दवाई फॉस्फोमाइसिन कितनी देनी है? अगर इन दोनों में से एक देनी है कोई तो? हाँ, दोनों भी साथ में भी दे सकते हैं, और अगर एक भी देना है तो एक सैशे फॉस्फोमाइसिन का 3 ग्राम का आता है, आधे ग्लास पानी में, स्टैट डोज। ठीक है सर, कॉम्प्लिकेटेड हो गया यूटीआई मतलब उसको साथ में फ्लैंक पेन चालू हो गया, फ्लैंक पेन चालू हो गया, सुप्रा प्यूबिक पेन चालू हो गया। यूटीआई में कभी फीवर नहीं आता है, तो अगर यूटीआई में फीवर आ रहा है मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। तब हमें फ्लोरोक्विनोलोन्स पे जाना है। तब हमको फ्लोरोक्विनोलोन्स पे जाना है, बिल्कुल। ठीक है, चलो। तो यूटीआई की जो ड्रग ऑफ चॉइस थी वो सीधे फ्लोरोक्विनोलोन्स नहीं थी बल्कि नाइट्रोफेरेंटाइन थी। फिर एक बार गुगली आएगी, सोर थ्रोट का सबसे कॉमन कॉज क्या है, लिखो चैट बॉक्स में। गुड, स्ट्रेप्टो ग्राम पॉजिटिव, वेरी गुड, 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 बिल्कुल सही बात है। आप सभी के उत्तर पूरी तरह गलत हैं। सोर थ्रोट का सबसे कॉमन कॉज वायरस है। हाँ, अगर बच्चे में सोर थ्रोट हुआ है तो उसका सबसे कॉमन कॉज बैक्टीरियल है, बड़े में है तो वायरल है। तो सोर थ्रोट का सबसे कॉमन कॉज वायरल है, उसकी चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक क्या है, कुछ भी नहीं। हाँ, अगर बैक्टीरियल सोर थ्रोट है तो उसमें आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, तब आपको वो दोनों कवर करने पड़ेंगे जो आप लिख रहे हो। अब बता दो सर। हाँ, अगर सोर थ्रोट का आपके पास पेशेंट आता है तो एक जनरल अप्रोच होती है हमारी कि इनिशिएट जो सोर थ्रोट हुआ है वो फीवर से हुआ है, कि 3-4 दिन के सिम्टम्स आए हैं उसके बाद फीवर हुआ है। अगर फर्स्ट डे पे ही फीवर आ जाता है तो वो वायरल वाला सोर थ्रोट है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। हाँ, अगर वो 3-4 दिन सोर थ्रोट रहा और 4th-5th दिन अगर फीवर आ रहा है तो बैक्टीरियल है। अब बैक्टीरियल में भी आप लोग ये सोचेंगे कि प्रोडक्टिव कफ है कि नहीं है, मतलब कि म्यूकस आ रहा है, कफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर सूखी खांसी के साथ है और बैक्टीरियल सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? एजिथ्रोमाइसिन। क्यों? क्योंकि ये एटिपिकल निमोनिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर बुखार के साथ में कफ बन रहा है, सफेद बन रहा है या पीला बन रहा है, मतलब कि टिपिकल ऑर्गेनिज्म जो ग्राम पॉजिटिव के इन्फेक्शन होते हैं उनकी वजह से होता है, तो अमोक्सिक्लेव हमारी फर्स्ट चॉइस होगी ऐसे। और जो जिफी खिलाते हैं सोर थ्रोट में, वो जिफी बहुत ज्यादा काम नहीं करता। छोटे बच्चों में एच इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन होते हैं तो उनमें काम कर सकता है, बाकी ज्यादातर पेशेंट्स में अमोक्सिक्लेव का जो स्पेक्ट्रम है वो ग्राम पॉजिटिव के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव के लिए इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं तो इन लोगों को सबसे अच्छा अमोक्सिक्लेव है। चलो, तो बैक्टीरियल सोर थ्रोट की भी पकड़ ली मैंने। अब मुझे बताओ कि ओपीडी में व्यक्ति न्यूमोनिया लेके आया है तो मेरी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तुम बताओगे? ओपीडी में न्यूमोनिया की ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब ओपीडी में मरीज आया, आपने उसका एक्सरे कराया, उसमें एक्सरे में आपको पैच जैसा लग रहा है, पर पेशेंट ऐसा सिक नहीं है कि आपको भर्ती करना पड़े, ओपीडी में सेफ्ट्रियाक्सोन की गोली मत खिला। मॉक्सक्लेव आ रही डॉक्टर साहब, एम्पीसिलिन आ रही है, लिवोफ्लोक्सासिन आ रही है और मैक्रोलाइड्स भी आ रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन तो आ ही रही है। चलो आप ठीक है, अमोक्सिसिलिन जो होता है निमोनिया के लिए भी ओपीडी में फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होता है, साथ में हम इसको एजिथ्रोमाइसिन के साथ क्लब कर सकते हैं। हम लिवोफ्लोक्सासिन और एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, अमोक्सिक्लेव और एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, जब तक पेशेंट ओपीडी के अंदर है। हाँ, अगर यही पेशेंट इतना सिक है कि उसको इन पेशेंट में ले रहे हैं या वार्ड में एडमिट करने की नौबत आ रही है, तो एक थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जैसे सेफ्ट्रैक्सोन और साथ में एक ग्राम पॉजिटिव एटिपिकल कवरेज एजिथ्रोमाइसिन का दे दें। तो आईपीडी पेशेंट सेफ्ट्रैक्सोन प्लस एजिथ्रो, ओपीडी पेशेंट लिवोफ्लोक्सासिन प्लस एजिथ्रो या अमोक्सिसिलिन प्लस एजिथ्रो। आखिरी प्रश्न आपके लिए सर, कि अगर मरीज मेरे पास आईपीडी में भर्ती हुआ और आईपीडी में आया तब उसको न्यूमोनिया नहीं था,
मैंने उसको न्यूमोनिया किया, मैंने बताया था ना आपको सक्शन करके हम कैसे न्यूमोनिया करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हमने उसे वैसे न्यूमोनिया किया, अब उसे मैं कौन सी दवाई दूं? हाँ, अगर पेशेंट आपके पास आया एसिम्टोमेटिक था, उसको एडमिशन पे फीवर नहीं था, हाँ, भर्ती उसकी हिस्टेरेक्टमी कराने के लिए भर्ती किया था, हाँ, लेकिन उसको हमने न्यूमोनिया कर दिया, अब क्या न्यूमोनिया कर दिया, उसको तीसरे चौथे दिन फीवर आ गया, इसका मतलब कि उसको हॉस्पिटल अक्वायर्ड कोई इन्फेक्शन हुआ है। और मान के चलिए कि जितने भी हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं पेशेंट को, तो वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ही होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मतलब मरसा या वर्षा की बात करी दो चुड़ैलों की, और अगर ग्राम नेगेटिव के बारे में बात करेंगे तो ये एमडीआर ग्राम नेगेटिव या ईएसबीएल वाले बैक्टीरिया से डील कर रहे हैं। तो अगर तीसरे चौथे दिन एडमिशन के बाद में फीवर आ रहा है, तो मान के चलिए कि बड़ा खतरनाक इन्फेक्शन है, ये ओरल एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगा, तुरंत पेशेंट के कल्चर्स भेजें और उसके अकॉर्डिंग आप एंटीबायोटिक शुरू कर सकते हैं। राइट, तो मेरा लेक्चर तो यहाँ अभी खत्म होगा, हम YouTube का लाइव अभी बंद कर देंगे इसके बाद में, और अगर आपको इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखनी है तो वो आपको हमारे एंटीबायोटिक कोर्स में मिलेगी। जो लोग एंटीबायोटिक कोर्स में हैं वो लोग ऑलरेडी जूम पे हैं, उनको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ऑलरेडी, और जो लोग अभी YouTube पे हैं वो बाद में जाके ऐप में से एंटीबायोटिक कोर्स देख सकते हैं। अब मैं डिस्कशन को ओपन करूंगा आपके क्वेश्चंस के लिए, और सर और मैं जो भी हो सकेगा उसका आंसर करेंगे। तो रिकॉर्डिंग यहीं तक के लिए खत्म कर दो, अब अपन सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। YouTube ऑफ कर दो। चलिए साहब, लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैट बॉक्स में हैप्पी लिखिएगा।